हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी केनोन एक्सिलस गेम के बारे में सुना है? हो सकता है आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना हो, क्योंकि यह एक नया गेम है। यह गेम इसी महीने की 8 तारीख को, मतलब 8 मई 2018 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं इंसान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ दोस्तों, केनोन एक्सिलस गेम को बनाया है फैनकम गेम्स ने, उसे पब्लिश भी किया है फैनकम गेम्स ने। और अगर हम गेम की बात करें तो यह गेम इसी महीने की 8 तारीख को, मतलब 8 मई 2018 को पूरी दुनिया के लिए तीनों ही प्लेटफॉर्म, एक्सबॉक्स वन और विंडो पीसी और PS4 तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए यह गेम रिलीज हो चुका है। आप इसे तीनों ही प्लेटफॉर्म जाकर खेल सकते हैं। और अगर हम इस गेम की बात करें तो इस गेम का विंडो पीसी पर खेलना चाहते हैं तो इस गेम को खेलने के लिए आपको कम से कम 1200 रुपये चुकाने होंगे। मतलब गेम आपके विंडो पीसी पर खेलना चाहते हैं आपको 1200 रुपये खर्च करने होंगे। और हम बात करें इस गेम की स्टोरी की, तो इस गेम की स्टोरी एक्शन सर्वाइवल स्टोरी है, पूरी एडवेंचर एक्शन है इसके अंदर। तो यह गेम एक एक्शन एडवेंचर गेम के स्टोरी ऊपर बनाया गया है। मतलब इस गेम के अंदर हमें एनिमीज के साथ फाइट करना होता है, यह गेम की पूरी स्टोरी है। और बाकी स्टोरी आपको इस गेम को खेलना ही होगा। और हम बात करें तो इसके अंदर हमें सर्वाइव करना होता है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, हमें उनके साथ सर्वाइव फाइट करना होता है, उनसे सर्वाइव करना होता है। और हमें इस गेम के अंदर अलग अलग स्टेज मिलती है, हमें उन स्टेज को पार करते हुए आगे जाना होता है। और इस गेम की बात करें, आप इसे विंडो पीसी पर खेलना चाहते हैं तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? अगर आप इसे नॉर्मल ग्राफिक्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको इंटेल कोर i5 का सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर चाहिए, और 6 GB रैम चाहिए, और मिनिमम या रिकमेंडेड दोनों के लिए आपको 50 GB की हार्ड डिस्क चाहिए, वो चाहिए मिनिमम हो या रिकमेंडेड। और आप इस गेम को हाई रेजोल्यूशन में खेलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 8 GB की रैम होना चाहिए और 50 GB की हार्ड डिस्क। 50 GB हार्ड डिस्क आपको मिनिमम या रिकमेंडेड दोनों के अंदर ही चाहिए होगी। और ग्राफिक की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन खेलने के लिए आपको GTX का 720 का ग्राफिक कार्ड चाहिए, मतलब इसकी एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड के अंदर ये गेम नहीं चलेगा। इस गेम के ग्राफिक कार्ड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, इस गेम की ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं। हम प्रोसेसर की बात करें, हेवी के अंदर प्रोसेसर की बात करें तो आपको इंटेल कोर i7 का 3rd generation का प्रोसेसर चाहिए, उसकी गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए 3.2 GHz कम से कम खेलने के लिए। और इस बात करें तो आप इस गेम को स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप विंडो पीसी में खेल रहे हैं तो, वरना आप इसे प्ले स्टोर या एक्सबॉक्स स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।